सो हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एमएस ऑफिस के इस वीडियो सीरीज में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट जहां से हम लोगों ने लास्ट वीडियो को खत्म किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग को ये जानना है कि जो हम लोग को एमएस ऑफिस का व्यू मिलता है उसमें हर एक टैब का क्या मीनिंग है, कौन से टैब को हम लोग किस नाम से जानते हैं। सो फॉर दैट मैं आप लोग को जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड है मैं आप लोग को वो दिखाऊंगा, तो आप लोग ये वाला व्यू देख सकते हो। तो यहाँ पे हर एक टैब के लिए अलग अलग नाम दिया गया है, तो ये जानना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑफिस बटन। तो गाइस बेसिकली ये जो व्यू आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है ये है फॉर एमएस वर्ड 7, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है आप लोगों के लिए एमएस वर्ड 16। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ऑफिस भी मिल रहा है, इन माई वर्जन मुझे यहाँ पे फाइल बोल के कुछ ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप लोग फाइल में क्लिक करोगे या अगर आप लोग ऑफिस बटन में क्लिक करोगे, दोनों के भीतर में आप लोगों को सेम ऑप्शंस मिलने वाला है। तो इसको हम लोग ऐसे मेनू भी कह सकते हैं। देन आप लोगों को मिलने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग जो भी टूल्स आप लोग मोस्ट ऑफनली यूज करते हो उसको आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो। नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्विक एक्सेस टूल बार मतलब जो भी टूल आप लोग क्विकली एक्सेस करना चाहते हो, ये होगा आप लोग के लिए क्विक एक्सेस टूल बार। एंड देन आप लोगों के लिए है टैब्स, यही जो टैब्स है ये आप लोगों को सीखना है। एंड इन दिस वीडियो सीरीज हम लोग ईच एंड एवरी टैब्स को जानेंगे। देन ये आप लोगों के लिए टाइटल बार, जैसे कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट का नाम है आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, इनिशियली हमेशा ये डॉक्यूमेंट 1 रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। एंड देन ये है आप लोगों के लिए रिबन बार, मतलब जो भी टैब्स आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है हर एक टैब के लिए जो एडिशनल फंक्शनलिटीज है उसको हम लोग कहते हैं रिबन। और आप लोग देख सकते हो रिबन के भीतर भी आप लोगों को अलग अलग ग्रुप्स मिल रहा होगा, जैसे कि होम टैब के भीतर जो रिबन बार है उसके भीतर आप लोगों को क्या मिल रहा है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सब आप लोगों के लिए हो गए अलग अलग ग्रुप्स। सिमिलरली जो भी टैब्स है हर एक टैब्स में आप लोगों को अलग अलग ग्रुप्स मिलने वाला है जो हम लोग इनकमिंग वीडियो सीखेंगे। देन ये आप लोगों के लिए हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर, एंड सिमिलरली ये आप लोगों के लिए है वर्टिकल रूलर। एंड देन नीचे आप लोग देख सकते हो ये जो सेक्शन है ये हम लोग के लिए डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। सपोज यहाँ पे अगर आप लोगों ने कुछ एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया तो कौन से पेज में अभी आप हो तो वो पेज नंबर आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा, आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितना वर्ड है वो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। तो इन शॉर्ट जो डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को नीचे दिख जाएगा। एंड देन ये है आप लोगों के लिए टेक्स्ट एरिया, मतलब जहाँ पे आप लोग अपने लिए टेक्स्ट को टाइप करने वाले हो इसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट एरिया। दिस इज योर स्टेटस बार, ये आप लोग के लिए है व्यू बटन्स। एंड दिस वन इज योर जूम टूल, जहां से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। तो गाइस ये है हर एक टैब्स का नाम, और अभी हम लोग को सीखना है इसका फंक्शन। सो फॉर दैट मैं दोबारा एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। तो जैसे मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये मेरे लिए है हॉरिजॉन्टल रूलर और ये मेरे लिए है वर्टिकल रूलर और ये है मेरे लिए टेक्स्ट एरिया जहां पे मैं अपने लिए टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा, बहुत टाइम क्या होता है ये जो रूलर है ये नहीं रहता है या कभी ये गायब हो जाता है। तो इनकेस अगर आप लोग को ये रूलर नहीं मिल रहा है तो आप लोग को ये कहाँ पे मिलेगा, ऊपर जो आप लोग को व्यू वाला जो टैब मिल रहा है इसमें आपको करना है क्लिक। तो जैसे आप लोग व्यू टैब में जाओगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रूलर में टिक मार्क किया हुआ है, मतलब आप लोगों ने इसको चेक इन किया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे अनटिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो जो आप लोग का रूलर है वो चला जाएगा। तो हमेशा रूलर को ऑन रखना है और आप लोग का जो लेआउट है उसको हमेशा रखना है प्रिंट लेआउट में, ये एक छोटा सा सेटिंग है जो आप लोगों को करना होगा। एंड देन यहाँ पे ये जो रूलर आप लोग देख रहे हो ये हमें इन इंचेस मिल रहा है, यहाँ पे जो यूनिट है वो होगा इन इंच, ये 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच एंड 7 इंच। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे ये जो रूलर का इंच है मुझे चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इन सेंटीमीटर चाहिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लोग को जाना होगा फाइल ऑप्शन में, अगर आप लोग कोई दूसरा वर्जन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आप लोग को जाना होगा ऑफिस बटन में या मेनू बार में, मेनू बटन में। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो फाइल वाला ऑप्शन में क्लिक करने से आप लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस में लगा, हर एक ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे। लेकिन एस ऑफ नाउ जो आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ उसके लिए आप लोग को जाना होगा ऑप्शंस में,
जैसे आप लोग ऑप्शंस में आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक सेकेंड ऑप्शन मिलेगा जो है एडवांस्ड, तो आप लोगों को एडवांस्ड में क्लिक करना होगा। एंड देन जो स्क्रॉल बार है इसको अगर आप लोग नीचे लाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले का कुछ ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस ये हो गया मेरे लिए डिस्प्ले। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जब आप आओगे यहाँ पे देख सकते हो शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ इंचेस, यहाँ पे आप लोग को मेजरमेंट का यूनिट क्या मिल रहा है, इंचेस। तो इसको अगर आप लोग सेंटीमीटर कर दोगे और इसको अगर आप लोग ओके कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी आप लोगों का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में हो चुका है। सिमिलरली अगर आप लोग इसको दोबारा इंचेस में लाना चाहते हो तो आप लोग को सेम प्रोसेस फॉलो करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, फिर एडवांस सेटिंग्स में जाना है, एंड देन नीचे जो डिस्प्ले वाला ऑप्शन है वहाँ पे आके आप लोगों को दोबारा ये जो यूनिट है इसको आप लोग करना होगा इंचेस एंड देन ओके। तो जैसे आप लोग ओके करोगे ये फिर से इंचेस में आ जाएगा। तो गाइस ये छोटा सा एक सेटिंग्स था जो मैं आप लोगों को पहले ही दिखाना जरूरी समझ गया था, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। लेकिन एस ऑफ नाउ हम लोग इन सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला जो टैब आता है वो हम लोग के लिए होम टैब, तो विल बी स्टार्टिंग विद आवर होम टैब। तो जब भी मैं होम टैब के बारे में बात करता हूँ तो इन होम टैब बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को पांच अलग अलग ग्रुप्स मिल रहा होगा। एक है आप लोगों के लिए क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को हर एक ग्रुप को इन डिटेल सीखना है क्योंकि ये ही ग्रुप्स है जो आप लोग मोस्ट ऑफनली और सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हो। जो भी यहाँ पे आप लोगों को टैब्स मिल रहा है इन सभी टैब्स में से ये होम टैब और इंसर्ट टैब ही ज़्यादातर यूज होता है, बाकी टैब्स उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। लेकिन मैं आप लोग को फिर भी सिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग का टाइम है वो होम टैब और इंसर्ट टैब में ही जाएगा। तो जब भी आप लोग यहाँ पे कुछ काम करोगे, काम करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट चाहिए होगा। तो टेक्स्ट को आप अगर आप लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने लिख दिया टेक बूस्टर, फिर कुछ लिख दिया, तो ऐसे लिखते अगर आप जाओगे तो एक पैराग्राफ बनाने के लिए आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी आप लोग को एक शॉर्टकट मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये शॉर्टकट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी एक पैराग्राफ बनाना चाहते हो वर्ड में, तो उसके लिए आप लोग को टाइप करना होगा इक्वल रैंड RAND एंड देन जो आप लोग का फर्स्ट ब्रैकेट है उसको देना है। इसके देने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर दबाओगे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को 5 पैराग्राफ्स मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ MS Word ने आप लोगों को कुछ एक प्रीडिफाइंड वर्ड वगैरह दे के रखा है, तो आप लोग इसको पढ़ो मत, ये पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है। मेनली इसके ऊपर हम लोग अलग अलग जो हम लोग का फंक्शन है उसको यूज करके जो हम लोग का इफेक्ट है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये है प्रोसेस कैसे आप लोग कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ या रैंडम सेंटेंस को वर्ड में जनरेट कर सकते हो या उसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने रैंड सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन और क्लोज यूज किया था, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ पे पांच पैराग्राफ नहीं, मुझे कुछ तीन पैराग्राफ चाहिए, मुझे कुछ अराउंड 10 लाइन्स चाहिए, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा। तो फॉर दैट मैं सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के लिए आप लोग को ये कंप्लीट सिलेक्ट करना होगा, जो भी सेक्शन आप लोग डिलीट करना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन में प्रेस कर सकते हो। तो जैसे आप लोग डिलीट बटन में प्रेस करोगे ये डिलीट हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं दोबारा आप लोगों को जो रैंड वाला फंक्शन था वो दिखाता हूँ। रैंड, तो यहाँ पे अगर आप मैं रैंड लिख के यहाँ पे मैं अंडर ब्रैकेट में 1 और 2 यूज करता हूँ, तो अभी आप लोग देख सकते हो क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों को एक पैराग्राफ मिल रहा है और पैराग्राफ के भीतर आप लोगों को 2 सेंटेंस मिल रहा है। ये हो गया मेरा पहला सेंटेंस और ये हो गया मेरा सेकेंड सेंटेंस। तो इन दिस वे आप लोग एक रैंडम पैराग्राफ जनरेट कर सकते हो जिसमें कितना पैराग्राफ होगा वो भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो और हर एक पैराग्राफ में कितना लाइन होगा वो भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए 4 पैराग्राफ और हर एक पैराग्राफ में मुझे चाहिए 5 सेंटेंसेस। तो इसको इस तरीके से लिखना है एंड देन आप लोग करना है एंटर। जैसे आप लोग एंटर करोगे जो आप लोग का रैंडम पैराग्राफ है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो इसी तरह गाइस आप लोग जब भी काम करोगे आप लोग को एक रैंडम पैराग्राफ लेना है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आप लोग मैनुअली अगर टाइप करने जाओगे तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा जो कि यहाँ पे आप लोग को दिखाना पॉसिबल नहीं है। देन गाइस मैं आप लोग यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है ये जूम टूल, कैसे आप लोग फाइल को जूम कर सकते हो।
तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो जो मेरा जूम टूल है इसको मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे आप लोग इसको बढ़ा करोगे आप लोग का ये जूम हो रहा है, और जूम कितना हो रहा है मैक्सिमम 500%। तो आप लोग का जूम कितना होगा मैक्सिमम 500%, और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम आप लोग के लिए होगा 10%। तो गाइस ये आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूमिंग कैपेसिटी है 10% और मैक्सिमम जूमिंग कैपेसिटी है 500%। तो एस एफ नाउ मैं इसको 100% करके रखता हूँ जो कि डिफ़ॉल्ट रहता है। एंड देन हम लोग अभी मूव करेंगे टूवर्ड्स आवर क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो आप लोग को कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, जो है पहला ऑप्शन सेव के लिए, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+S। मतलब अगर आप लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो तो इन दैट केस आप लोगों को Ctrl+S दबाना है। एंड देन आप लोगों को सेकेंड ऑप्शन मिल रहा होगा जिसका नाम है अंडू। अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z। तो अंडू का मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ गलती से कुछ एक मिस्टेक कर दिया आप लोगों ने, तो आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे फिर से पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए आप लोगों को करना होगा अंडू। एंड देन आप लोग को एक ऑप्शन मिल रहा है रीडू। रीडू का मतलब क्या है, सपोज आप लोगों ने गलती से एक अंडू कर दिया, फिर से आप लोगों को आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए आप लोग करोगे रीडू, जिसका शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y। तो यहाँ पे आप लोगों को तीन ऑप्शन दिख रहा है जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते रहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अभी आप लोगों को एक क्विक एक्सेस टूल बार नीचे दिख रहा होगा, लेकिन अगर इन योर केस अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड को ओपन किया तो ये जो टूल बार है ये आप लोगों को ऊपर भी दिख सकता है। तो इसको ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, आप लोग जब साइड में आओगे तो आप लोगों को एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा, तो इसको करना है क्लिक। एंड देन आप लोग नीचे देखोगे शो अबोव द रिबन, मतलब रिबन के ऊपर आप लोगों को अगर दिखाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, और आप लोग देखोगे कि ये आपका ऊपर चला गया है। तो ये होता है डिफॉल्ट व्यू, ज़्यादातर जगह में आप लोगों को ये क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर ही दिखेगा। एंड देन अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं मुझे ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें मुझे कुछ एडिशनल टूल्स लाना है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाला हूँ, तो इस ड्रॉप डाउन में आप लोगों को करना होगा क्लिक। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑप्शन है क्विक प्रिंट, तो अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को एडिशनल टूल मिल जाएगा या एडिशनल ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको आप लोग प्रिंट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली अगर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करोगे कहीं दूसरे विंडो में या कोई दूसरा शॉर्टकट की दबाते हुए अगर आप लोग यहाँ पे प्रिंट करोगे तो ये डायरेक्टली प्रिंट के लिए तैयार हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी जैसे कि मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे नॉट रेडी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप लोग का प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप लोग डायरेक्टली इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो सिमिलरली अगर आप लोग को कोई दूसरा टूल चाहिए तो आप लोग को फिर से इस ऑप्शन में जाना है, एंड देन जो भी आप लोग को ऐसे ऑप्शन चाहिए या टूल चाहिए आप लोग उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, और जो नहीं चाहिए आप लोग वहाँ से उसको फिर से डिसलेक्ट करना है। अभी ये सिलेक्टेड है इसलिए आप लोग को यहाँ पे राइट साइन दिख रहा है, सेव सिलेक्टेड है तो सेव में आप लोग को राइट साइन दिख रहा है, अंडू रीडू ये सब सिलेक्टेड है तो आप लोग को राइट साइन दिख रहा है, जो नहीं चाहिए आप लोग वहाँ पे जाके फिर से क्लिक करोगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये है आप लोगों के लिए क्विक एक्सेस टूल बार। तो गाइस आज के वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड करूँगा। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि कैसे आप लोग एक रैंडम टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो, एमएस वर्ड के जो व्यू है इसमें कौन सा टूल का क्या काम है, कौन सा जो सेक्शन है हर एक सेक्शन का क्या क्या नाम है आप लोगों ने ये सीखा। देन आप लोगों ने सीखा जो आप लोगों का रूलर है इसका यूनिट अगर चेंज करना है तो आप लोग कैसे चेंज कर पाओगे, एमएस ऑफिस का या सॉरी एमएस वर्ड का जो जूमिंग कैपेसिटी है वो मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, एंड फाइनली योर क्विक एक्सेस टूल बार। तो विद दिस आज के वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड करता हूँ। आप लोग अगर चाहते हो तो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मूव कर सकते हो, या आज जो सिखाएगा इसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सो गाइस विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो टिल देन टेक केयर एंड प्रैक्टिस, बाय बाय।